टाइगर वर्सेस पठान को लेकर एक जबरदस्त अपडेट आई है। जी हाँ, सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान, जिसकी शूटिंग जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, ये बात सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म की थी कुछ दिन पहले कि वो जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे जनवरी में। बट इसके अपडेट ये आ रही है कि इस फिल्म के अंदर सलमान खान एंड शाहरुख खान यानी टाइगर पठान की जो को स्टार, उनकी जो लकी चार्म है, वो देखने को जरूर मिलेंगी। यानी दीपिका पादुकोण एंड कैटरीना कैफ, इनका भी एक जबरदस्त एंड अहम रोल होने वाला है। तो होने वाला ना बॉस कमाल का धमाल, शाहरुख के साथ दीपिका एंड सलमान के साथ कैटरीना, और चारों का आमना सामना खतरनाक होने वाला। मतलब आदि चोपड़ा के दिमाग में क्या जबरदस्त कहानी चल रही है, जब से टाइगर उन्होंने लिखी है ना, तो उसके बाद तो वो दिमाग कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं। सन 2012 से स्टार्ट की थी टाइगर, उसके बाद धीरे 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 स्पाई यूनिवर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ऐसा कन्वर्ट किया कि अब इससे निकलना बहुत साल लगेंगे, बनती चली जाएगी यार। ये भी एक जबरदस्त सरप्राइज ही है कि सलमान, कैटरीना, दीपिका, शाहरुख एक साथ एक पर्दे पे होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जब शाहरुख सलमान का आपस में भिड़ंत होगी, तो बीच में उनका जो विलन होगा वो भी खतरनाक हो और पावरफुल हो। तो लोगों ने डिसाइड किया है कि इस फिल्म के अंदर अगर कोई विलन को रखना है तो वो आमिर खान हो। ये लोगों का मतलब दिली तमन्ना है कि उनको टक्कर देने वाले दोनों खान उनको ही है, वो तो आमिर खान है। अगर आमिर खान भी इस फिल्म के अंदर विलन का करेक्टर निभाते हैं, लिख के ले लो, ये फिल्म वो रिकॉर्ड बनाएगी, कई साल गुजर जाएंगे, इस फिल्म के रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे यार, 100% मैं बता रहा हूं। अगर सलमान, शाहरुख साथ साथ आमिर भी मौजूद हो इस फिल्म के अंदर, बट आदित्य चोपड़ा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य चोपड़ा के साथ आमिर खान का भी एक जबरदस्त कनेक्शन है। उनके साथ उन्होंने धूम 3 की थी, जिसमें जबरदस्त धूम मचाई थी आमिर खान ने। फना फिल्म भी उनके साथ की है, जो जबरदस्त मूवी थी। तो आमिर खान तो आदित्य चोपड़ा को शायद इनकार ना कर पाए, और साथ में सलमान होंगे, शाहरुख होंगे, तो वो कर ही लेंगे, क्योंकि उनके सलमान के साथ तो बेहतरीन बॉन्डिंग तो आमिर खान की शुरू से ही है, बट शाहरुख खान से भी उनकी बेहतरीन चल रही है। तो हो सकता है कि वो हाँ भी बढ़ सकते हैं, बट सिद्धार्थ आनंद के ऊपर है कि उनको ये रोल देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन देना चाहिए यार, अगर दे देंगे तो यार आप बताओ आपको क्या लगता है यार, कितनी मजा आएगी जब दो सुपरस्टार के बीच में एक तीसरा सुपरस्टार आ जाए, जिसके नाम हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ये 3 तब थे, आज भी 3 लगे हुए हैं, तो कितनी मजा आएगी यार, जबरदस्त होने वाला है। लेकिन एक चीज तो ये फिल्म की शूटिंग जो है जनवरी के लास्ट तक इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे जैसे इसकी कुछ अपडेट और सामने आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, दीपिका, जोया, कैटरीना कैफ, सलमान, शाहरुख, आमिर, अपना ओपिनियन हमें जरूर देना कि आपको क्या लगता है। और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कई अपडेट हमारे लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू अगेन।